गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आरपीएस ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 6 यानी इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्रोडक्शन टू इक्यूलेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे और इस पे कुछ चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम जान लेते हैं ये ज्योमेट्री का, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक जियो और दूसरा मैट्रिन। ठीक है, इसमें क्या है, जियो इट मींस अर्थ और मैट्रिन यानी मेजर। ये एक ग्रीक वर्ड है स्टूडेंट्स, मैट्रिन और जियो एक ग्रीक वर्ड है, यानी जब अर्थ को मेजर करने की जरूरत पड़ी, अर्थ को जब मेजर यानी मापने की जरूरत पड़ी तो क्या हुआ, ज्योमेट्री का ये हुआ। अर्थ को हम लैंड भी लिख सकते हैं, अर्थ को जब मेजर करने की जरूरत पड़ी तब ज्योमेट्री का ये हुआ। इससे पहले ज्योमेट्री का बहुत ही पुराना इतिहास रहा है स्टूडेंट्स, ज्योमेट्री इजिप्ट में, इंडिया में, चाइना में, सभी जगह ये किया गया। उस टाइम कोई ये नहीं था, एक शॉर्ट एग्जाम्पल लेके समझाते हैं आपको, एग्जाम्पल देके कि जब इजिप्ट में फार्मर जो होते थे, किसान जो होते थे, वो अपने लैंड में छोटे पौधे लगाते थे और उसको बाउंड्री करते थे, और जब बाढ़ आता था, फ्लड जब आती थी तो वो सारे टूट फूट के बिखर जाते थे, इधर उधर हो जाते थे। तो जब बाढ़ खत्म होता था तो सभी लैंड्स को इक्वल इक्वल पार्ट में, जैसे मान लीजिए एक लैंड है तो सबको इक्वल इक्वल पार्ट में बांटने की आवश्यकता होती थी। तो उसके लिए क्या होता था कि लैंड को मेजर करने की आवश्यकता होती थी, मापने की आवश्यकता होती थी, यानी जब लैंड को मेजर करने की आवश्यकता हुई तब ज्योमेट्री का ये हुआ। ओके, एक इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर स्टेटमेंट में लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ज्योमेट्री कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स जियो एंड मैट्रिन। जियो मीनिंग द अर्थ जियो मीनिंग द अर्थ एंड मैट्रिन मीनिंग टू मेजर। मैट्रिन मीनिंग टू मेजर। इससे भी क्लियर है कि जब अर्थ को मापने की आवश्यकता पड़ी और मेजर करने की आवश्यकता पड़ी तो क्या हुआ, ज्योमेट्री का यूज हुआ। फिर नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट स्टेटमेंट में कह रहा है, द ज्योमेट्री ऑफ प्लेन फिगर इज नोन एज इक्विलेटरल ज्योमेट्री। द ज्योमेट्री
ऑफ प्लेन फिगर इज कॉल्ड या इज नोन एज यूक्लिडियंस ज्योमेट्री, यानी जब ज्योमेट्रिक में प्लेन फिगर की बात आती है तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, यूक्लिडियन ज्योमेट्री। ओके, जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं स्टूडेंट्स, टू डायमेंशंस प्लेन फिगर में टू डायमेंशंस वाले ही फिगर आएंगे, थ्री डायमेंशंस वाले नहीं आ सकते हैं, वो क्या होगा, यूक्लिडियन ज्योमेट्री होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स एक नेक्स्ट पॉइंट है आपका, स्टेटमेंट्स यानी ए स्टेटमेंट्स विच कैन बी जज्ड, ए स्टेटमेंट विच कैन बी जज्ड to be true or false, to be true or false is called a statement, is called a statement, yani स्टेटमेंट्स, जैसा कि इसके डिफिनेशन से ही क्लियर है, स्टेटमेंट्स विच कैन बी जज्ड टू बी ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड स्टेटमेंट, यानी वैसा स्टेटमेंट जिसको जज किया जाए, स्टेटमेंट से ही पकड़ा जाए कि यह स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो वो क्या कहलाता है, स्टेटमेंट्स कहलाता है। यानी अगर हम इसको ऐसे मान लेते हैं स्टूडेंट्स, सपोज करते हैं फॉर एग्जाम्पल, the sum of all sides of triangle is 180 degree। यानी ये क्लियर है, हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों साइड का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। और एक और देखते हैं, जैसे x प्लस 5 ग्रेटर देन 9, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, एग्जांपल्स में अगर हम इसको समझते हैं, तो अगर यहां x का वैल्यू जो है स्टूडेंट्स, अगर मोर देन 4 हुआ तब तो ये स्टेटमेंट ये हमारा सही हो सकता है, बट अगर ये x का वैल्यू अगर लेस देन 4 हुआ तब तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। यानी इससे ये क्लियर नहीं हो, जब तक x का वैल्यू क्लियर नहीं होगा तब तक ये क्लियर नहीं हो सकता है कि ये क्या है, मोर देन है या लेस देन है। ओके, यानी इस स्टेटमेंट को कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्लियर है स्टूडेंट्स। अब जो अभी हम लोगों को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स, एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स। आइए उसके बारे में हम लोग कुछ जानकारी हासिल करते हैं, एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स के बारे में। एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स के बारे में हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स, यानी क्या एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स।
अब ये एग्जेम्स एंड पोस्टुलेट्स क्या है इसके बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। जैसे मान लेते हैं स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि ये लाइन हम बोर्ड पे क्लियर खींच दिए, ओके। यानी क्या, ये बोर्ड, ये लाइन बोर्ड को कितने पार्टों में बांट रहा है? दो पार्टों में बांट रहा है। इससे क्लियर है कि ये लाइन जो है वो बोर्ड को कितने पार्टों में बांट रहा है? दो पार्टों में बांट रहा है स्टूडेंट्स। यानी हम इसको कह सकते हैं कि ये लाइन जो है ये टू पार्ट में बांटा गया है, बांट रहा है। यहां एक हम एग्जांपल ले सकते हैं या एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पॉइंट, ए पॉइंट विच हैज ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पॉइंट, नो पॉइंट। यानी अगर यहां हम लाइन खींच दिए तो ये तो क्लियर है कि ये दो पार्ट में बोर्ड को बांट रहा है, बट अगर यहां हम एक सीधा पॉइंट अगर दे देते हैं तो ये क्लियर हो रहा है कि ये क्या है और ये कितने पार्टों में बांटा जा रहा है, ये तो क्लियर नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स। अगर हम एक ये एग्जांपल लेते हैं, अगर एक सर्किल लेते हैं और बीचों बीच उसके डायमीटर से उसको ये डायमीटर खींच देते हैं तो ये थेल्स के थ्योरम के अनुसार, ये थेल्स के थ्योरम के अनुसार ये क्लियर है कि ये फिगर को दो पार्ट में, यानी ये सर्किल को डायमीटर क्या कर रहा है, दो पार्ट में बांट दे रहा है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम ऐसे भी समझे तो ये अगर रेक्टेंगल है हम बना लिए हैं तो इस साइड को क्या बोलते हैं, इस साइड को बाहरी साइड जो है ये साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सरफेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सरफेस बोलते हैं। और ये पूरा साइड जो हुआ इसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं, ठीक है। और ये जिस जिस पॉइंट पे एंड हो रहा है, जिस जिस साइड पे ये एंड हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं, ओके। इतना तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ है अगर साधारण शब्दों में हम इसको समझते हैं स्टूडेंट्स, तो ये क्लियर है कि जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ है वो एग्जम्स एंड पोस्टुलेट्स के अंतर्गत आते हैं। जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ है वो क्या होते हैं, एग्जम्स एंड पोस्टुलेट्स के अंतर्गत आते हैं। पोस्टुलेट्स और एग्जम्स में क्या डिफरेंस है ये हम आपको बताते हैं। एग्जम्स जो है, एग्जम्स एंड पोस्टुलेट्स, तो पोस्टुलेट्स जो है वो एग्जाम्स है, बट एग्जाम्स पोस्टुलेट्स, यानी एग्जाम्स का यूज आप जितने भी मैथ्स बनाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बनाते हैं, मेंसुरेशन बनाते हैं, सभी में यूज होता है, बट पोस्टुलेट्स का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, पोस्टुलेट्स का यूज सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री में ही होता है। पोस्टुलेट्स का यूज क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री में भी ही होता है। यानी अब हम लोग कुछ एग्जाम्स का जो इक्लिड्स महोदय ने दिया है नियम, उसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। यानी स्टूडेंट्स, ये इक्लिड्स का कुछ एग्जाम्स का नियम है वो दिया गया है, वो क्या है, फर्स्ट है एग्जाम्स का नियम, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। यानी अगर थ्री इज इक्वल टू थ्री, अगर यहां हम प्लस वन करें, इधर भी प्लस वन करें, तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। यानी इक्वल इक्वल को अगर हम ऐड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ आपको दिखा सकते हैं, टू प्लस टू को अगर हम ऐड करते हैं तो फोर आता है, और टू का होल कितना आएगा, वो भी फोर आता है। यानी जब इक्वल इक्वल को आपस में हम ऐड करते हैं तो क्या होता है, होल भी उसका क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा स्टूडेंट्स,
इफ इक्वल आर सबस्ट्रैक्टेड टू इक्वल रिमाइंडर आर इक्वल, यानी इक्वल से इक्वल को अगर हम माइनस करते हैं 4 माइनस 4 तो रिमाइंडर हमारा क्या आता है 0 ही आता है, यानी सेम आता है। अगर इक्वल से इक्वल को घटाया जाए सब्ट्रैक्ट किया जाए तो रिमाइंडर क्या आता है सेम आता है। फिर फोर्थ पॉइंट है थिंग विच कॉइंस हाइड विच वन एन अदर आर इक्वल टू वन एन अदर। अगर कॉइंस हाइड का कोई थिंग होता है वो वन एन अदर उसके इक्वल उसका पार्ट होता है। पांचवा क्या कह रहा है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, यानी होल जो है पूरा, जैसे मान लीजिए ये और ये, मान लीजिए ये इसका एक पार्ट है पर ये पूरा फिगर क्या है एक होल है, यानी ये होल, ये पूरा होल जो है वो ग्रेटर देन क्या होगा इस पार्ट के, वही चीज यहाँ कह रहा है। ओके स्टूडेंट्स, फिफ्थ सिक्स पॉइंट है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, यानी वैसा थिंग्स जो डबल एक दूसरे का हो वो भी इक्वल होता है एक दूसरे के। अगर सेम थिंग एक अगर डबल हो जैसे 2 और 2 4 और उधर भी 2 और 2 4 यानी 3 2 5 और 2 प्लस 3 5, यानी जब ये एक दूसरे का डबल होता है तो वो भी क्या होता है आपस में इक्वल होता है। लास्ट है थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, यानी जो हाफ्स थिंग होता है वो भी एक दूसरे के इक्वल होता है वन अनदर के। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने ज्योमेट्री में यूक्लिड ज्योमेट्री पोस्टुलेट्स एग्जाम्स के बारे में पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि यहाँ तक जो हम इंट्रोडक्शन आपको यूक्लिड ज्योमेट्री का पढ़ाए और समझाए ये आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, कुछ भी करना है सिर्फ और सिर्फ यूक्लिड ज्योमेट्री का एग्जाम्पल यानी इलस्ट्रेशन हमको सॉल्व करना है, जिससे मेरा कॉन्सेप्ट, हम लोगों का कॉन्सेप्ट, आप लोगों का कॉन्सेप्ट और भी बेहतर हो जाए। ओके, थैंक यू।